हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आई वेलकम यू टू माय लाइव ट्रेडिंग वीडियो, जहां पे मैंने आज एक्सपायरी डे के दिन बैंक निफ्टी ऑप्शन में अराउंड 21.5 लाख रुपीस बुक किया है। तो आपको इससे देखना चाहिए क्योंकि 21 लाख रुपए ट्रेड किया, हाँ यही देख के तो आप आते हैं थंबनेल बिग प्रॉफिट्स देख करके। बट अगर आप भी एक ट्रेडर हो, बीटीएसटी ट्रेड्स लेते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं एंड आपको कुछ सीखना है, आई प्रॉमिस यू इतना कुछ सीखने मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए कि अगर आप बीटीएसटी ट्रेड लेते हो, आपके डायरेक्शन में खुलता है गैप अप और फिर आप थोड़ा पुल बैक आता है, आप सेल कर देते हो, या नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा पुल बैक आता है, डर के एग्जिट कर देते हो, या ऐसा कुछ होता है, या आप जानना चाहते हो कौन से सेटअप पे बाय करे सेल करे, ये वीडियो आपके लिए है। आपको बहुत मजा आएगा ये वीडियो देखने में एंड ये वीडियो आप बस ऐसे मत देखना गाइस कि बस मोबाइल चालू किया देख लिया चालू कर दिया, नहीं, ये वीडियो में मैंने क्या एक रात पहले ट्रेड लिया बीटीएसटी, तो रात को मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या प्लान कर रहा हूँ कल सुबह के लिए, पूरा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, सुबह उठ के वही प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इतना कुछ सीखने के लिए है। एक बार बीटीएसटी लिए 10 लाख का प्रॉफिट किए, फिर एक इंट्राडे लिए 6 लाख का प्रॉफिट किए, फिर से तीसरा ट्रेड लिए 5-5.5 लाख का प्रॉफिट किए। इस तरीके की चीजें आपको देखने मिलेंगी, यू विल लव दिस वीडियो। सो आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन एंड योर टाइम, आई वॉन्ट यू टू सिट रिलैक्स्ड। इस वीडियो को लाइक कर दो या वॉच लेटर में डालो, बड़ी स्क्रीन हो सके लैपटॉप में, टीवी में, उसमें देखना है, हो सके तो मोबाइल पे देखोगे तो चलो ईयरफोन्स लगा के देखना है। एंड क्योंकि ये वीडियो मेरे को मालूम है बहुत ज्यादा रीच जाने वाला है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट 3 ट्रेडिंग टिप्स देने वाला हूं एंड ऑफ द वीडियो में। सो मेक श्योर यू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई विल गिव यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो एज अ ट्रेडर मैं आपको देना चाहता हूं। ओके, थैंक यू सो मच, चलो स्टार्ट करते वीडियो। हेलो गाइस, मैंने एक बीटीएसटी ट्रेड लिया हुआ है जो मैं कल सुबह एग्जीक्यूट करूंगा, तो बस मैंने सोचा एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो जैसा बन जाएगा। थोड़ी बैक स्टोरी बतानी पड़ेगी कि कल क्यों ट्रेड लिया, क्या लिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जो ट्रेड लिया हुआ है वो बैंक निफ्टी पे कॉल बाय किया हुआ है 30,000 का कॉल, जो कि यहाँ पे ये रहा स्ट्राइक प्राइस आपका 30,000। क्यों लिया हुआ है, देखो सबसे पहले तो जो फिब लेवल्स हैं उसके हिसाब से 50% को ब्रेक कर गया है, हाई चांसेस है 61.8 जाने के। अच्छा वैसे मैं पहले बता दूं, मैं ट्रैवल कर रहा था, एक बर्थडे पार्टी में था और मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता जब मैं ट्रैवल करता हूं, बट बिकॉज ऑफ द टीम बोल सकते हैं, या आपके सुपर सेटअप्स जब आपके सामने आते हैं, आप एक्सपीरियंस हो जाते हो 2-3 साल, आपको मालूम है तुरंत अगर ऐसा हो रहा है तो क्या 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 डेटा पॉइंट्स चेक करने, क्या 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 चीजें चेक करनी, वो सारी अलाइन हो रही है, तो व्हाई नॉट टेक द ट्रेड। तो बस एक बीटीएससी ट्रेड लिया हुआ है 30,000 कॉल का, कितनी क्वांटिटी वगैरह कल बात करके कल देखते हैं एंड प्लान बताता हूँ। देखो 50% लेवल ब्रेक हुआ है और सिर्फ इतना रीजन नहीं है, इसके बाद अगर देखेंगे जितने भी लोगों ने मेरा ईएमए वीडियो ध्यान से देखा, मैंने उसमें समझाया होगा कि जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है 50 मूविंग एवरेज का और 200 मूविंग एवरेज एज अ टारगेट उसके सामने रहता है, तो वो जरूर लेना चाहिए। अगर दिखाना तो देखो ये देख लो, ओके ये देख लो, ये रहा 25 सितंबर को भी इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ एंड देन बंद हुआ, मार्केट ओपन हुआ एंड देन हिट द टारगेट एंड दोबारा से ऊपर गया, वो मतलब नहीं इतना तो टारगेट मिला अपन को। या तो ये हो सकता है, देखो तो मैं आपको प्लान बताता हूं, मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप ओपन होता है विल टेक दिस टारगेट। हमने एंट्री कब की थी, जब ये ब्रेकआउट लेवल्स हुए थे इस कैंडल पे एंट्री की थी, क्योंकि एडवांस लेवल की प्राइस एक्शन बात बताता हूं। अगर आपको लगता है कि यार मैं कैंडल क्लोज होने पे लूंगा तो कई बार मौका निकल जाता है जैसे ये, तो आपको एक टिप दे रहा हूँ, जब भी बॉडी एकदम रेजिस्टेंस लेवल जैसे टेस्ट हो चुका है लेवल 1-3 times, अगर ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है ना, यू टेक द एंट्री बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रेक इट। अगर ब्रेक नहीं करना होगा तो पहले यहाँ कहीं क्लोज होगा, सो 90% टाइम इट वर्क्स, 80-90% टाइम ये काम करता है। मैं तो हमेशा इन कैंडल्स पे लेता हूँ जब वो एकदम टिप पे बंद होता है एंड इट वर्क एंड इट ब्रेकआउट हो गया। सो वी हैव एंटर्ड अराउंड हियर, सो दिस इज अवर प्लान, यहाँ से लेकर के यहाँ 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट हमको लेना है एंड दैट इज अराउंड 230 points, दैट्स ग्रेट, बढ़िया टारगेट है। तो थोड़ा सा जैसे डाउ जोन्स देख करके सिंगापुर निफ्टी लग रहा है कि कोई बड़ा गैप अप नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल गैप अप, लाइक अ नॉर्मल गैप, लाइक 20-30 points का गैप अप होगा, होते ही हमें हो सकता है 5-10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर टारगेट हिट हो जाए, हिट हो गया बढ़िया कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर निकल जाएंगे। अगर एक दूसरी पॉसिबिलिटी होती है वो ये वाली है कि मार्केट खुलता ही सीधे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खुलता है और तो तुरंत नहीं निकलना है, ऑलरेडी हम बहुत बड़े प्रॉफिट में आ जाएंगे 200 के ऊपर, अब 95 रुपीस का बाएंगे मेरा 96 रुपीस का ऑलरेडी हमारा मतलब 130-140-150 मिल ही जाएगा हम लोगों को, हम तब भी एग्जिट कर सकते हैं, वही टारगेट है 150 का, तो उसके ऊपर जो भी एज अ ट्रेडर हमको ट्राई करना चाहिए। नाउ 200 के ऊपर खुलता है, सपोर्ट ले लेता है, बस फिर
उनको जो सिखाया है, मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी रिसेंटली भी एक स्ट्रैटेजी दी मैंने इंट्राडे की, एक हाई पे आपको मार्क करना है, मार्कअप, एक लो पे मार्कअप मार्कअप करना है, लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, और अगर ये ब्रेकआउट होता है अगेन यू आर गोइंग टू हिट अ बिग टारगेट। एक इस दिन तो बहुत ही बड़ा टारगेट हिट हुआ है, काफी बड़ा टारगेट हिट हुआ अगले दिन तक, बट आज कल के दिन अगर हमारा ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाली ब्लू लाइन, ठीक है, या फिर ये 61% फिब लेवल। अगर ये तो दूसरे, ये दूसरा केस है, हम और उसके बाद लाइक हमने यहां से यहां तक का टारगेट हिट ट्राई करेंगे, दैट इज 475 पॉइंट्स का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन पे हल्का सा भी पुल बैक आएगा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। खैर तब तक तो अपन इंदा मनी हो चुके होंगे, बट फिर भी एक्सपायरी के दिन बहुत वॉलीटाइल होता है, आई एम नॉट श्योर वॉट आई विल डू, बट अगर गैप अप होता है तो थोड़ा मैं थोड़ा सा और टारगेट लेने की कोशिश करूंगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना या इतना। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हमने 95 का लिया हुआ है, 140, 150, 160 मिलता है, we'll exit out. यहां तक का टारगेट हमारा तो डन है, यहां तक का टारगेट, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। और गैप डाउन खुल जाता है तो फिर क्रूशियल सपोर्ट देखना पड़ेगा, जो डेफिनेटली 50 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हमको लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ कहीं बाय किया हुआ है 870 पे, 870 से 741-50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा अगर गैप डाउन आता है तो, और मोर देन 200 पॉइंट्स, कितना 240-230 पॉइंट्स, 245 हमारा टारगेट है। दैट वट एवर इट इज, इट्स लाइक मेरे फेवर में बहुत सारी चीजें और हैं, जैसे कि अगर आज इंडिया विक्स की बात करते, इट कूल्ड ऑफ लाइक 6.7% कूल ऑफ किया है। आपको ऑप्शन चेन पे ले जाऊं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैक्स पेन नाम की क्या चीज होती है, मैक्स पेन एक ऐसी चीज होती है, एक डेटा होता है जो ट्यूजडे तक सबसे हाईएस्ट था 30,000 पे, मतलब इसके आसपास क्लोजिंग होने की उम्मीद थी, आज के दिन डेटा चेंज होकर वो हो गया, मैक्स पेन आ गया 30,500। कैसे निकालते हैं, ओपन इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, कॉल साइड का और पुट साइड और ऐड सबका करते हैं, हाईएस्ट जिस मैथ उसको मैक्स पेन कहते हैं, एक्सपायरी थोड़ा उसके आसपास ही जाकर के क्लोज होती है, ये एक डेटा पॉइंट है, जरूरी नहीं ऐसा होगा बट चांसेस है। तो क्या वो 30,000 से शिफ्ट हो गया 3,500 पे आया हुआ है, दैट मीन्स द रेंज और बड़ी हो गई है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, मार्केट दो दिन से बुल रन में है ही, और ये सेटअप तो मेरे को बहुत पसंद है, तो ये तो होना ही है मेरे को लगता है, जैसा भी होगा सुबह बताते हैं आपको। ऑलराइट, सो चलो और बहुत बहुत सारी बातें करनी, आई विल टॉक टू यू इन द मॉर्निंग, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, एंड राइट नाउ द टाइम इज 7:30 एंड ये रहा हमारा प्री ओपन मार्केट, जो रिफ्रेश करके देखते हैं, जब तक ओपन नहीं हुआ है, 601 पे क्लोजिंग हुई थी, और एज आई टोल्ड यू वी हैव अ स्मॉल टारगेट, नॉट अ स्मॉल टारगेट, अ टारगेट जो कि बंद हुआ है 883 पे, ओके, द पोस्ट मार्केट इज एट 883 एग्जैक्टली एट द दिस लेवल, सो राइट नाउ वी हैव अ टारगेट ऑफ 219 पॉइंट, जो हो सकता है गैप अप में मिल जाए, अगर गैप अप में मिल जाता है आई वुड लाइक टू एग्जिट द मार्केट। अगर मार्केट की ओपनिंग ही इसके ऊपर होती है तो फिर हम और आगे का देखेंगे, क्लोजिंग का एक्सपायरी का डे है, ज्यादा होशियारी करने का मतलब नहीं है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सो लेट सी वेयर मार्केट ओपन्स। निफ्टी इज हैविंग रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट 660 पे भी रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है, इसीलिए देखो मेरा सेटअप था, मेरे पास बहुत आराम से मैं ट्रेड कर पाता था अब बड़े कैपिटल के साथ, अच्छा मतलब इट्स नॉट इजी टू ट्रेड, लाइक एक बार आदत पड़ जाती ना मल्टीपल स्क्रीन सेटअप्स की, मल्टीपल स्क्रीन्स की, फिर इजी नहीं होता यार मतलब ऐसा नॉर्मल ट्रेड कर पाना, इसीलिए जब भी सेटअप मैं अपना वापस से बनाऊंगा आई वुड डू मोर ऑफ दीज लाइव ट्रेडिंग वीडियोज, अभी तो मेरे सेटअप में था तो मैंने कर लिया और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा क्लियर है, इट्स नॉट इजी टू यू नो टेक डिसीजंस when you are inside a trade. Anyways, काफी बातें हो गई अभी प्री ओपन मार्केट में, 1 मिनट हो गया है, let's refresh it and see where the market really oh my god 18 the fuck I just don't believe it, अरे ये ना मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, अगर ये है तो मतलब मैं सोने जा रहा हूँ 916 पे 3898 लेकिन ये कम हो जाएगा, रिफ्रेश मारूंगा अगली बार तो, सी बट इट्स
बैंक्स आर बूम बूम करके बैंक्स यार। दैट्स अ ग्रेट न्यूज गाइस, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। 783 हो गया अभी निफ्टी। 783 इज ऑल्सो लाइक समवेयर अराउंड हियर, बट इट विल कम बैक। आई नो ये प्री ओपन मार्केट की बुलिशनेस है। 764, 163 पॉइंट्स गैप अप, दैट्स ग्रेट। इट ओके नाउ अ लॉट ऑफ विल पावर इज नीडेड। इट इज अ लाइक अ देखो इमोशंस अपने स्ट्राइक मार देते हैं पैसा देखते ही कि अभी अभी इसीलिए आई हैव टू स्टिक टू माय प्लान। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये कम हो जाएगा मेरे को मालूम है, देखो कम होता जा रहा है, वो धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। 716 हो गया है, 716 इज अराउंड समवेयर इन हियर। ये कम होता जाएगा मुझे मालूम है, ये कम होते 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 स्टिल 716 के बाद 716 पे ही है भारती एयरटेल। ओके लेट्स सी वेयर द मार्केट ओपन्स। ओके अगर ये निफ्टी में 100 पॉइंट्स गैप अप है तो बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट्स का गैप अप है। 300 पॉइंट्स बोलने से 900, यस आई थिंक इट्स गोइंग टू ओपनिंग एंड हिट गिविंग अस अवर टारगेट। इफ इट ओपन्स अबव यू नो 200 मूविंग एवरेज and so it will definitely be breaking this one, this moving average. So this is the target that we can eye upon, but let's see. काश गैप अभी इतना बड़ा मिल जाए। ओके गुड यार, गुड गुड गुड, वी आर ओपनिंग 1% अप, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत दिन बाद मतलब गैप अप में इतना ज्यादा मजा आने वाला है। बीटीएसटी ट्रेड मैंने बताया, इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ज्यादा लेता नहीं हूँ, बहुत कम मैं लेता हूँ। आज तो मैंने काफी अच्छी क्वांटिटी से लिया हुआ है। क्वांटिटी कितनी देखना चाहते हैं तो चलो मार्केट ओपन हो जाने दो। चलो मार्केट ओपन होगा तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है? अभी कितना बजा है? इट्स ओनली 4 मिनट्स, इंडियन टाइम भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ जल्दी उठना उठना पड़ता है, अभी 7:30 बजा हुआ है। सो लेट्स सी। ओके सो इट विल ओपन अराउंड 100 पॉइंट्स के ऊपर ही उठेगा। कुछ भी लूजर नहीं, एक्सट्रीम बुलिश मार्केट है यार। चलो तब तक अपन वर्ल्ड मार्केट भी चेक करते हैं। व्हाट अबाउट द वर्ल्ड मार्केट्स, व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट्स वी हैव? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। एक्सपायरी का दिन है, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड वी शुड लुक फॉर अनदर एंट्री। अगर हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो रहा है तो टारगेट बोलने से यू नो दिस इज अवर टारगेट। अभी इसकी जरूरत, दिस एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इट शुड बी नॉट थिन लाइन, द रेड कलर, दिस कलर, एंड विल रिमूव द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चार्ट जितना साफ हो सके उतना साफ रखना चाहिए। ओह नो दैट इज नॉट अ टारगेट, दिस इज अ टारगेट, दिस वन इज अवर टारगेट। लेट्स सी विक्स भी ओपन होता तो किस किस वॉलेटिलिटी किस तो ओपन होता है। ओनली टू डिक्लाइन, 48 अप एडवांस, गुड न्यूज। ओके सो आई विल गेट अ ग्रीन टी फॉर माई सेल्फ। 907 पे प्री ओपन मार्केट बंद होगा। चलो देखते हैं ऐसा आप में से कितने लोग करते हो ये रिफ्रेश, हो जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, ऐसा कौन करता है? हर कोई करता है जो बीटीएसटी ट्रेड लेकर लेता है, चाहे उसके अगेंस्ट चल रहा हो या उसके फेवर में चल रहा हो, ये करता ही है हर कोई। ओके गाइस सो लेट मी गेट माय ग्रीन टी। लेट्स एक्सपेक्ट कि इतना तो गैप अप मिल ही जाए अपन लोगों को। कैसे तू आज डबल स्ट्रैंगल कर दिया, गला घोट दिया को किसी का फैन चोट। ओके गाइस इट्स जस्ट 1 मिनट नाउ, जस्ट 1 मिनट नाउ एंड वी आर गिविंग अ, वी आर गेटिंग गैप अप ओपनिंग। अब दिखा देता हूँ क्वांटिटी क्या है। 95 का बाई क्या, 94 चल रहा है। क्वांटिटी देख लो आपके सामने है, ठीक
ठीक है, लेट द मार्केट, देखो फोर स्क्रीन सेटअप होता तो यहाँ पे एक मैं ये खोलता, वहां पे वो बहुत आसान नहीं होता यार, निफ्टी भी देखना, बैंक निफ्टी देखना, दो टाइम फ्रेम देखना है मुझे, एनीवेज लेट द मार्केट ओपन। कितना बचा, 744 हो गया है, मार्केट देखना, विक्स देखना, तुरंत एग्जिट करना है। इट्स नॉट इजी। देखो, ओ देखो, खुल गया मार्केट, टारगेट के लगभग अपन आ ही चुके हैं ऊपर। अब ये आई एम गोइंग टू होल्ड द ट्रेड, आई एम गोइंग टू होल्ड माय विनर्स टुडे, इट विल ब्रेक द रेजिस्टेंस इन फर्स्ट 5 मिनट्स, लेट्स सी। -14% विक्स वाज देयर, नाउ इट्स गोइंग अहेड, द प्रॉफिट्स आर गोइंग स्काई रॉकेट नाउ, टारगेट पे अपन ऑन पॉइंट आ चुके हैं। शिट, यही प्रॉब्लम है ना, व्हाट द फक एम आई डूइंग। ऑन पॉइंट टारगेट, टारगेट क्रश्ड ऑलरेडी, स्टिल आई एम ट्राइंग टू होल्ड माय विनिंग ट्रेड, 5 मिनट तो, लेट्स सी इफ इट कैन टच, हो चुका मेरा टारगेट। निफ्टी ब्रेकआउट कर दे यार, R2 से R3 दे दे, मुझे यहाँ भी एक पिवट मिल जाए, यहाँ भी छोटी टाइम फ्रेम का एक पिवट अपन ओपन करके रख सकते हैं। ग्रेट यार, है ना, ग्रेट, थैंक यू सो मच स्टॉक मार्केट। यस, वी आर अबाउट टू ब्रेक इट, प्रॉफिट्स गोइंग मोर स्काई रॉकेट, ग्रेट्स ग्रेट। या आई थिंक आई मे बुक द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ माई लाइफ ऑन अ सिंगल ट्रेड टूडे, जस्ट 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, अब बस क्लोज हो जाए। विक्स बहुत बढ़िया, प्लीज गो हेड, गो, जा 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 भाई जा, क्या बेस्ट वीक ऑफ द लाइफ बन जाए वाली वीक। मंडे भी बहुत अच्छा दिन था, बुक्ड अराउंड 4 लाख समथिंग। नाउ लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। -2 open wicks. Now it needs a very big heart to, you know, keep your position open in this time. कभी भी exit करना चाहिए ना, but as I told you, as per my plan, इसने 200 moving average को break किया है। अभी closing कहाँ होती है देखना अपन को। Closing अगर ऊपर हो जाती है ना candle की, even 5 minute candle की, it's a good news। ये अपन को पहले 15 मिनट में ही दे दे। लेकिन वो जो लालच दिखाया निफ्टी ने, 13898 का प्री ओपन दिखाया, अरे बाप रे, वो देख के तो पागल हो गया यार मैं। किस लेवल का प्री ओपन मार्केट, ओके, बुलिश 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 बुलिश, ग्रेट। ओके, नाउ इट्स रिट्रेसिंग बैक अ बिट, ओपनिंग बस ना लोकल, ओपनिंग यहाँ पे थी, नीचे आके इट्स गॉन अप, स्टिकिंग रेजिस्टेंस एट दैट पॉइंट। कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके इट्स ओके, लेट्स नॉट लुक एट अवर पीएनएल नाउ, वो पीएनएल देख करके अपन इमोशनल हो जाएंगे, घटिया डिसीजन लेंगे, लेट्स बी अ बेटर ट्रेडर, डू नॉट लुक एट योर पीएनएल। बहुत बढ़िया, बस गोइंग अप, -1.5, यस, वी हैव गॉन बुलिश नाउ, वी आर ब्रेकिंग द, वी आर ब्रेकिंग द लेवल्स, वी आर ब्रेकिंग 7.5 इज द, 8 लाख्स इज द हाईएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट आई हैव एवर बुक, नॉट इन इन अ सिंगल ट्रेड, 8 लाख्स, लेट्स ब्रेक दैट लेवल टुडे, आई थिंक वी आर ब्रेकिंग इट स्मूथली, यप, वी आर ब्रेकिंग इट, तोड़ दिया, यप Yep. Let's see more than that. If I can hit a, क्या बोलते हैं यार इसको, एक दो तीन चार पांच छह सेवन सेवन फिगर ट्रेड बनाएंगे आज का।
8 लाख प्लस कर दिया हमने, वी आर मोर देन 8,25,000-33,000 पार कर दिया हमने सिंगल डे पे, कर दिया आज, मजा आ गया. स्टिल होल्डिंग दैट रेट, स्टिल होल्डिंग दैट रेट. लेट्स लेट्स ब्रेक. अगर यहां तक होल्ड कर पाए तो सुपरमैन हो जाएंगे अपन. खुशी देख रहे हो करके, तुरंत 8 से 7 हुआ, मुंह सूख गया करके. तो भाई अब बंद करो, पेनल देखना तो बुक करेंगे प्रॉफिट अब. ओके नाउ नाउ इट्स द टाइम, सेकंड ग्रीन कैंडल, गो अहेड शूट अप. परफेक्ट 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 सेकंड ग्रीन कैंडल. ओके वी हैव टच्ड 10 7 figures इन आवर लाइफ. पहली बार अपना एक ट्रेड में 7 figure देख रहा हूं, फिर भी दिल मेरा ऐसा बीट अप नहीं हो रहा एक्सट्रीमली. अरे बाप रे, एग्जिट कर दो, नो प्रॉब्लम बड़ी. फॉलो द प्रोसेस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग द प्रोसेस. वी शुड फॉलो द प्रोसेस, इट्स ग्रेट. और सिर्फ सिंपल कॉल बाय करके होल्ड करना विदाउट एजिंग या विदाउट सेलिंग, इट्स नॉट इजी मैम, बिकॉज इसका आधा कैपिटल भी यूज नहीं, नहीं इसका आधा कैपिटल यूज हुआ, अराउंड 7 lakh rupees यूज हुआ हुआ है ट्रेड पे. इट्स ग्रेट. चलो R3 तो तक तो ले ही सकते हैं. माई गॉड, गैप अप ओपनिंग एंड वी आर हिटिंग अवर टारगेट लाइक दिस, दैट्स ग्रेट. ओके आई थिंक आई एम गोइंग टू बुक माई प्रॉफिट्स नाउ. विक्स की रीडिंग और ये रेजिस्टेंस लेता जा रहा है. लेट्स एग्जिट सम क्वांटिटी नाउ, नॉट एवरीथिंग. लेट्स एग्जिट. Okay, great. Exited the trade, booked the profit of पहला 7 figure profit हो गया, आंसू निकल गए मेरे. 10,65,000 भाई. मंडे को 4 lakh समथिंग था, तो मतलब ये वीक अपन का 15 lakh rupees का वीक हो गया है. सारा सबका बदला ले गया मेरा बैंक निफ्टी. इसका उसका मतलब मूवी भी देखा हूँ वासेपुर वाली, बाप का दादा का चाचा का सबका बदला ले लिया है तेरा बैंक निफ्टी. और अपन ने क्या जगह पे एग्जिट किया है, अब अपन टोटल इन द मनी रह के, टोटल सिक्योर होने के बाद अब अपन डिसीजन लेंगे जो भी ले सकते हैं. लेट अस सी गाइस. आई थिंक मैं डन हो चुका, मैं मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट लाइफ में बुक नहीं किया हूं. डोंट वांट टू रिस्क इट नाउ, ठीक है. मैं इसको रिस्क नहीं करना चाहता हूं. ये कितने पे सेल किया अपन ने, 224 पे सेल किया, 94 पे लेके 2020 36 से 224 पे हमने सेल किया है. अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता मेरा इंट्राडे लॉस मतलब देख करके. तो अब अपन तभी एग्जिट करेंगे, एंटर करेंगे, बहुत सॉलिड रीजन होगा तो. ओके बहुत सॉलिड रीजन होगा तो करेंगे. एंड यप परफेक्ट. ओके सो आई विल क्लोज दिस वीडियो नाउ. एंड अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, नहीं लेता हूं तो नहीं रिकॉर्ड करूंगा. बट एक इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूंगा आज, मैं बहुत खुश हूं. आई विल शेयर अ फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स विद यू, जो कि से कारण मैं इतना स्टेबल हूं इस वक्त ट्रेड लेने के पहले. अब मेरे को अभी थोड़ा सा लालच भी देगा तो डजंट मैटर्स, नो प्रॉब्लम, जाने दो. बट आई विल शेयर फ्यू टिप्स विद यू जो कि मैं चलता है. अब ये कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं लेना देना जब तक कि एक पुल बैक नहीं देता अपन लोगों को, ठीक है. तो गाइस जस्ट हैव अ जस्ट चिल रिलैक्स एंड आई विल सी यू इन द आउटरो वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो. यार बहुत दुख की बात है, मैंने पूरा लाइव रिकॉर्ड किया और मेरे एक मैनुअल मिस्टेक के कारण मैं अपनी रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं कर पाया. फक स्टिल, अब चलो मैं रिवाइज करके देता हूँ. हमने यहाँ एग्जिट किया था, मैंने दोबारा इस ब्रेकआउट पे बाई किया, मैंने दोबारा से इस ब्रेकआउट पे बाई किया था जब दिन का ही हाई ब्रेक हुआ था. एंड देन उस पर मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि निफ्टी वीक था, रिलायंस वीक था. फिर से मैंने एंट्री की बैंक निफ्टी को जब दोबारा से इस कैंडल के हाई पे, एंड दोबारा यहाँ कहीं हमने बाई किया और ये मेरा टारगेट था जो मेरे को काफी प्रॉफिट दे रहा था. फिर भी मैं एग्जिट नहीं किया, अब भी मैंने 13,400 समथिंग पे एग्जिट किया है. एंड गाइस टुडे वी हैव बुक्ड दिस इंट्राडे प्रॉफिट ऑफ, आई एम सो सॉरी, मैं मतलब बहुत बुरा लगना चाहिए मुझे, मैं इतनी देर बोला बोला सब लाइव ट्रेड किया फिर भी वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया. नो ओवर ट्रेडिंग आई हैव डन. ये मैं हमने बाय किया था इन द मनी कॉल जो मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरे को अपने प्रॉफिट्स वेस्ट नहीं करने थे. आज के दिन एक्स्ट्रा ग्रीड नहीं करना चाहिए.
I've exited that. Now, दोबारा से इसको ट्रेड लिया और अभी ये 6,50,000 फिर से बुक किया हमने, 16 लाख बुक यूजिंग अ कैपिटल ऑफ 8 लाख्स ओनली. दिस वॉज अ BTST ट्रेड 10 लाख वाला. ये इंटरडे ट्रेडिंग थी, 30 मिनट्स ट्रेड किया होगा मैंने एंड अब मैंने एग्जिट कर दिया. अब मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वो नहीं लेना चाहता रिस्क एंड आई डोंट वॉन्ट टू क्विट एंड आई विल इवन नॉट ट्रेड दिस वीक. अब ये वीक ट्रेड भी नहीं करने वाला, अभी कल तो डेफिनेटली नहीं करने वाला और ये वीक भी शायद नहीं करूंगा मैं. मंडे को मैंने उसको रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत, उसको भी डालूंगा इसके बाद लाइव ट्रेडिंग, क्योंकि आप लोगों को पसंद आता देखना. बिजी था करके नहीं डाल पाया था, वो भी डाल दूंगा 4 लाख वाला. बुक गुड प्रॉफिट्स यूजिंग बाइंग ऑप्शन, बाइंग करके, सेलिंग करके नहीं, बाइंग करके, हैविंग कन्विक्शन इन माय ओन एनालिसिस, मेरे डायरेक्शन पे, मेरे टारगेट्स पे, ये लेकर के. कोई भी मैंने हेजिंग ऐसा वो नहीं किया, वो अभी कर सकते हैं बट स्टिल I'm telling you ki this is also possible if you have the right experience and right mindset. Anyways, guys, I have to मतलब बहुत बुरा, अच्छा तो बहुत ज्यादा लग रहा है. बुरा ये लगा कि इतना मैंने बताया बात कर करके कि मैं लाइव ट्रेड वो कर रहा हूँ रिकॉर्ड, ये वो अभी रिकॉर्ड हो रहा है. बहुत गलती से मतलब मेरे से बटन दब गई, नहीं दबा, मतलब ऑन ही नहीं कर पाया मैं रिकॉर्डिंग. मेरे को लगा मैंने ऑन कर दिया है बट ऐसा मेरे साथ कई बार लाइफ में ना ऐसा बहुत बुरा बुरा कुछ कुछ होता है, छोटा मोटा छोटा मोटा. मैं बिल्कुल उसको नेगेटिव नहीं लेता, उसको पॉजिटिवली लेता, अपना मूड नॉर्मल रखता हूँ. कई बार मैं बहुत सारे काम करता हूँ और कुछ ऐसा होता है कि पूरा काम बर्बाद हो जाता है, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ. एक बार मैं आपका ट्रेडिंग व्यू वीडियो भी जो बनाया था आप लोगों के लिए, भाई कम से कम 50 मिनट मैंने बोला था और बनाया, खुश होकर बैठा, देखा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था. 1 मिनट ऐसे बैठा, दोबारा रूम पे गया, दोबारा बनाया और फिर अपलोड किया. सो आई लाइक मैं ऐसा हूं कि मैं ध्यान नहीं देता ये सब चीजों पे अगर कुछ फेलियर्स लाइफ में आते हैं तो. तो दैट इज व्हाई नाउ आई टेल यू फ्यू थिंग्स इन द आउट्रो वीडियो. ओके, लेट मी राइट डाउन एवरीथिंग इन माय जर्नल. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ माय लाइफ. 7 फिगर मैंने पहली बार टच किया, 7 फिगर भी ऐसा कि सीधे 16 लाख टच किया. थैंक यू सो मच मार्केट गॉड, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, FIIs, everyone. Thank you so much, my subscriber watching me. Well, let me close it, write down everything in my journal and come back to you with an outro video. Thank you guys. Okay, it's time to enter the trade. Okay, same call. We'll go ahead and buy. Okay, same. We are going ahead with the same call. Yep. Little bit more quantity as we are having 2-3 confirmations, one from the Wix side. Wait. Let's add the quantity once it is breaking this barrier as well. We'll add the quantity when it will break this barrier as well. Let it break, no problem. 2 minute, 12 seconds, 15 minute ke aur batana. बेस्ट स्ट्राइक प्राइस इन द मनी भी है और होल नंबर भी है. क्वांटिटी इसको ब्रेक करने देते हैं फिर बढ़ाते हैं. द स्टॉप लॉस इज सिंपल बिलो दिस 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस समझ लेते हैं एंड यहाँ का एंट्री की है. दिन का हाई 100 पॉइंट्स के दूर है ना, 450 है ना. दिन का हाई मिनिमम, दिन का हाई टारगेट है. देखेंगे बाकी रीडिंग्स, अगर और सही हुई तो और भी लेने की कोशिश करेंगे. If it's break this level, but so chances are better that we are again going to hit the day's high.
Okay, now the magic thing is, even if this candle will not close above this level, लेकिन भले ये क्लोज ना हो, बट अगर ये यहाँ पे अपनी बॉडी क्लोज करेगी तो भी मैं इन क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये ब्रेक कर देगा. और ये ब्रेक करता है तो अगला तो कैंडल बुलिश है ही, मैं अभी घुस जाऊंगा. अभी ब्रेक कर दिया तो भी क्यों, बताया था. अच्छा, या तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ. ये प्राइस एक्शन ट्रिक है यार. अगर इसको ब्रेक नहीं होना है ना, तो क्या करेगा, विक बना करके पीछे आएगा. लेकिन अगर बॉडी यहाँ पे क्लोज होती है ना, इट इज विल गो बुलिश, सॉलिड बुलिश. लेट्स एंटर मोर, एड मोर क्वांटिटीज. If this is closing at this level, मतलब ये candle का close या break कर देता है तो, अगर break कर देता है तो भी अपन ready है. We'll add 2000 more quantities. और मान लो नहीं किया तो, it's doing it. We are going ahead and buying it. ठीक है, क्यों किया? Just check the Wix reading and the momentum. It's going up. इस candle के end में करना है. Candle close हो रही है. It's done. Flag and pole, दिन का ही तो लेंगे ही लेंगे. See, I told you, it will break the candle. We have broken it. कर दिया break हमने, ठीक है? कर दिया break. अब हम जा रहे हैं guys, दिन के high के पास. थोड़ी सी quantity और add कर दी. यहाँ पे add कर दी और यहाँ पे stop loss लगा दिया. Last trade है. It's okay to risk 1 or 2 lakh rupees, 50,000, 70,000, 1 lakh rupees to make something like that or higher than that. You have to have that courage to let go of some of your profits. Not everything, not unlimited loss, something like that. Okay. But anyways, I am like a bit confident in my analysis, in the trend direction, and in a lot of things in my studies. That is why मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे ऐड की थी क्वांटिटी, उसका स्टॉप लॉस ये. अभी यहाँ पे जो क्वांटिटी ऐड की उसका स्टॉप लॉस ये, तो छोटा स्टॉप लॉस है. इसका रिवॉर्ड कितना है? इसका रिवॉर्ड इतना है, ठीक है? इसका रिवॉर्ड कितना था? इसका रिवॉर्ड इतना सा था, 60 ऐसा. तो लेट्स सी. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट राइट नाउ दैट this candle will, after this candle will go up. Nahi to I'm okay with the stop loss. No worries about it. This could be a pullback. Kafi bada fall aaya hai. Bears are trying to get hold of the markets. We need to be ready to exit the market, है ना? कैंडल क्लोज होने वाली है. डबल टॉप बन चुका है, नेकलाइन भी बन चुकी है.
दिस इज अवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अगर ये ब्रेक नहीं होती तो कॉन्फिडेंस रहेगा, और ये ब्रेक हो जाती है तो लाइक वी शुड एग्जिट द ट्रेड एंड दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ये डेफिनेट एग्जिट है हमारा. You see this? Just now, I saw that aggressive call writing, 30,500 के call पे, बहुत high level पे call writing चल रही है. Short sellers are doing this right now. Extreme change in OI, देख रहे हो आप लोग? Extreme level का resistance है 30,500 पे. Call writers are here now to short this. Put writing the switch. 30,000 पे चल रही है. दिस इज द रेंज नाउ. ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस. व्हाट इज हैपनिंग. 30,500 क्रॉस कर गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी. मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा अगर वो ब्रेक होता तो. बट इट्स नॉट इजी टू ब्रेक दैट लेवल्स. लेट्स सी इफ इट ब्रेक दैट लेवल्स. बेस्ट बात ये कि हम लोग इन द मनी है अभी. इन द मनी मतलब ये छोटे मोटे पुल बैक्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. अगर आप आज भी मेरे वीडियो बनाने के बाद आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो एक्सपायरी के दिन, तो देख लो आप, आपको आपका रिजल्ट मालूम होगा. अगर आप ये लाइव वीडियो देखते हो लाइव ट्रेडिंग का, 300 पॉइंट इन द मनी होने के बाद अगर मैं यहाँ पे आ भी जाऊँ ना इतने नीचे, इतने में कुछ फर्क नहीं पड़ता. मतलब वो एकदम बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूव, मतलब पीएनएल नहीं गिराएगा मेरा. बट आउट ऑफ द मनी रहता अभी, अरे ये अभी तक मेरा लगभग जीरो, मतलब ये 60-50% मेरा कैपिटल उड़ा चुका होता एक रेड कैंडल. दैट इज वाई एक्सपायरी के दिन वेडनेसडे तो इन द मनी ही करना चाहिए अगर ऐसे इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हो तो. इतनी देर बैठना भी मतलब अलग लेवल का हुआ यार, इतना ज्यादा ट्रेड करने के बाद. जस्ट हैव टू रिमाइंड मायसेल्फ दैट आई हैव I want to be neutral. I want to be neutral. I will only do what is right. I will only do what is right. And what is right right now? The right would be to hold your trade until this line of defense. If it breaks that, too much mental exhaustion is there, close the day. That's it. And if it is breaking your levels, try to take this target. Let's see. Consolidation hone dete hain. कई बार वो टच करके भाग जाता है. अब अगर ये कैंडल क्लोज होती है मेरी इस लेवल के नीचे, इस एरिया में क्लोज होती है, हम अभी भी इन द मनी है, हमारा कोई भी ऐसा एक्सट्रीम लॉस नहीं हुआ है, 1-2 लाख का लॉस हुआ होगा अभी तक गया होगा, मैं देखना नहीं चाहता पीएनएल मेरा. यहाँ पे भी अपना वीजा ब्रेक नहीं हुआ है, ये दूसरा रीजन है इसको होल्ड करने का. अंटिल इट इज होल्ड, जब तक वीजा को ऊपर रहेगा तब तक मैं रहूंगा. ये दोनों तरफ के स्टॉप लॉस करा रहा है अभी, सारे कॉल वाले अभी तक कोई कॉल वाला नहीं बचा होगा, सबके स्टॉप लॉस खा चुके होंगे. दैट्स व्हाई यू नेवर ट्रेड विद योर फुल कैपिटल इन योर ऑप्शंस ट्रेडिंग. कभी भी फुल कैपिटल नहीं यूज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का. 20-30% मैक्सिमम यूज करना चाहिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में, बाइंग में. सेलिंग में तो ज्यादा भी कर सकते हो, बट बाइंग में नेवर यूज फुल कैपिटल, स्पेशली नॉट आउट ऑफ द मनी. Be in the money, but use less capital. देख लो इतनी बड़ी विक बन गई है, इतना ज्यादा लॉन्ग विक रिजेक्शन, बायर सपोर्ट करके ले गए मार्केट वहां से ऊपर. वीवैप नहीं ब्रेक हुआ, ये भी रिकवर कर गए थे निफ्टी. ओके गाइज, देयर यू गो. ओके कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन who stayed with their analysis. This is something that fucks all the put buyers.
आउट ऑफ मनी तो जीरो हो चुका अकाउंट। और देखो, बी इन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ रहने का यही फायदा है। अब मैं फिर भी पीएनएल खोलने का मन कर रहा है, वापस वहीं पहुंच गए। देखा आपने इतनी बड़ी एनगल्फिंग कैंडल, बापरे। आरआईपी ऑल द कॉल सेलर्स एंड पुट बायर्स। अब इट इज गोइंग अप। ओके गाइस, तो देख लो क्या हुआ है, क्या इनगल्फिंग कैंडल बनी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमने क्या बुलिश कैंडल बनाई है। ये है भाई एक और एंट्री, आप चाहो तो और एंटर कर सकते हो, बट इट्स ओके, गुड इनफ क्वांटिटी। पागल, अगर और बढ़ा दूंगा तो मैं इमोशनली अनस्टेबल हो जाऊंगा। ऑलरेडी तीसरा ट्रेड है मेरा मॉर्निंग से। स्टॉप लॉस एक में भी हिट नहीं किया है मैंने अभी तक, खुद से एग्जिट नहीं किया है। गुड, एवरीथिंग इज गुड ओवर हियर। लेट्स सी, गेटिंग क्रेजी फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं वहां पे। गुड, रील्स पे व्यूज भी 18,000 हो गए। All good. I am not in. Congratulations to all the call buyers and put sellers. Let's go to a new journey of above 20 lakhs. Let's go. Again, हम पहुंच चुके हैं दिन के हाई के पास। ये आगे दिन का हाई टच होने वाला है। और ओके, निफ्टी भी अपना दिन का हाई के पास पहुंच चुका है। परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी जो अगली कैंडल है बहुत मजेदार है। हाँ भी रू, इट्स ब्लास्टेड। बैंक निफ्टी है ब्लास्टेड, ब्रोकन ऑल इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस। आई डोंट नो वेयर टू बुक प्रॉफिट्स नाउ। फक फक, लेट्स मेक अ टारगेट ऑफ 462 नाउ। व्हाट? नहीं चाहते, मैक्स पेन 30,500 है, कल से बता रहा हूँ, उसके आसपास ही क्लोजिंग होगी। बताया देखो, टच करने वाला 3,500। एक कैंडल और खुल जाए। आई थिंक वी आर एट 20 लाख्स नाउ। वाओ वाओ वाओ, लुक एट द ब्यूटी यार, वाओ वाओ वाओ। नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता मैं वो सब, मत दिखाओ। मैं भी दिल का कमजोर हो जाऊंगा यार, नहीं तो मेरे को भी पैसे अच्छे लगते, सबको अच्छे लगते हैं। और ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है। मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ आज तक का 8 लाख रुपए मार्च में। हाँ, 8 लाख रुपए मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ है, और प्रॉफिट भी मेरा 8 लाख रुपए ही हुआ है, 7.5-8 लाख, 8.5। इतना बड़ा प्रॉफिट तो मैंने कभी नहीं किया लाइफ में। Thank you so much. Thank you. Let's start booking profits, guys. अभी profit book करना चालू करना चाहिए अपन को, कर देना चाहिए मेरे को लगता है। कर दें क्या? कर देना चाहिए यार, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है आज। चाचो लेते हैं होने के। होल्ड होल्ड अनिश, होल्ड, लेट मी होल्ड प्लीज। I think hold yaar, hold, try to hold, try to hold, try to hold. No, it's not easy, it's not easy, it's not easy, but hold. Fuck, that's great. Please break out more nifty. Kar break out bhai, kitna aa sakta hai tu, 38 point. Let's exit, kya kare. विक्स भी कोई खास मूवमेंट दे नहीं रहा है। लेट्स एग्जिट अ होल्ड, एग्जिट अ होल्ड, लेट्स एग्जिट। जितना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं झेल पा रहे, तो क्या मतलब, किसी और के लिए ट्रेड थोड़ा ना करते, खुद के लिए करते हो, खत्म करो।
लाइव ट्रेड करने से क्या होता है, एग्जिट 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 वो बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ माय लाइफ। सो ग्रेटफुल भाई, क्या दिन है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल मीट यू इन द आउटर वीडियो। तो आपने वीडियो देख लिया एंड आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, थोड़ा आप लोगों को भी पॉजिटिव फील हुआ होगा एंड कुछ सीखने भी मिला होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, मैंने बोला था तीन टिप्स मैं आपको दूंगा एज अ ट्रेडर, मैं बताता हूँ। सबसे पहली टिप जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो जाके पुराने वीडियोज चेक करो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डू नॉट फोकस ऑन योर P&L। सारे ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, ये सब एंट्री एग्जिट करके बैठ के सिर्फ ना P&L देख रहे होते हैं मोबाइल पे। अरे ओ अरे अरे बढ़ गया बढ़ गया, अरे गिर गया गिर, अभी निकल जाऊं, ऐसा होने लगता है, पूरा इमोशनल इम्बैलेंस। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस रादर देन योर लॉजिकल इंटेलिजेंस। यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग। सबसे पहले मैं जानता हूं ये टिप सुनने के बाद में से आप में से कई लोग अभी भी देख रहे हो P&L, मुझे मालूम है, मैं खुद देख लेता हूं कभी कभी, तो मुझे मालूम है ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। ट्राई टू अवॉइड दिस, डू नॉट लुक एट योर P&L वंस यू टेक द ट्रेड। मैं तो लाइव ट्रेड करता हूं करके दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं देखता नहीं हूं। सीधे आपको क्या करना है, क्या करना है, आप तभी ये चीज ओपन करेंगे जब आपको एग्जिट करना होगा, मैं इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरी बात, स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज के दिन देखा होगा जब अपने थर्ड ट्रेड लिया कैसा हिट किया होगा स्टॉप लॉस। आप में से कई लोग कॉल पे होंगे, मेरे को मालूम है, आपको बाहर निकाल दिया होगा और जब तक वो बढ़ा होगा आपका डिमोटिवेट हो चुका, क्योंकि कितने ऊपर में क्या खरीदूं, ऐसा होता है राइट, यही प्रॉब्लम होती है। तो देखो अब मैं आपसे, अगर मैं दो तरीके से आंसर कर रहा हूं, एक एडवांस लेवल एक बिगिनर, बिगिनर्स डोंट ट्रेड ऑप्शंस, क्लियरली कह रहा हूं, अभी मत ट्रेड करो। आप पहले जब तक कब तक ट्रेड ना करो उसका आंसर देता हूं। आप फ्यूचर लॉट पे कर लो ना, उस पे क्या जो स्टॉप लॉस लगाना होता है ना, फिर भी बेटर होता है। अब बात करते हैं एडवांस। अगर आप एडवांस लेवल बोल रहा हूं मतलब कि आप में एक इमोशनल स्टेबिलिटी है कि आप लूज विन दोनों देख सकते हो, आप डरते नहीं हो लूज से, बहुत ज्यादा खुश नहीं होते विन से क्योंकि वो जा सकता है, और ये तो आपके लिए स्टॉप लॉस कहां लगे, आप बताओ स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, ऑप्शन प्रीमियम चार्ट पे लगाते हैं कि स्पॉट चार्ट पे लगाते हैं। ऑब्वियसली प्रीमियम चार्ट पे लगाना है, अब प्रीमियम चार्ट हर स्ट्राइक प्राइस का अलग होता है, लेकिन एक्चुअल स्टॉप लॉस कहां प्लेस होना चाहिए आप बताइए। ऑब्वियसली इंडेक्स के चार्ट पे, स्पॉट चार्ट पे। अब वहां का जो स्टॉप लॉस होता है वो भी कई बार हिट होके क्लोज होना चाहिए राइट। हिट हुआ भाग गया, क्या हुआ आज वही हुआ। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस लगाना बहुत कठिन है, हर कोई आपको अलग टिप देगा, मेरी टिप है सिर्फ एडवांस लोगों के लिए। वंस यू आर इमोशनली स्टेबल यू हैव टू डिसाइड इफ इट इज टच द लेवल एंड इफ इट क्लोज देयर आई हैव टू एग्जिट, भले थोड़ा रेड हो जाए। इसीलिए कभी भी पूरा कैपिटल डालते भी नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर मेरे पास कैपिटल 40-50 लाख का, 1 करोड़ का, तो जाकर के हम थोड़ा बहुत कैपिटल इसमें डालते हैं, 8-10 लाख 15 लाख रुपए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो नाउ अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। आपको मालूम है मैंने BTST ट्रेड कैसा 8 लाख रुपए से चालू किया था, और आपको ये भी मालूम होगा हम अपने प्रॉफिट्स के जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उसको यूज नहीं कर सकते उसी दिन, अगले दिन आता है सेबी का नया मार्जिन रूल है। सारी बातें खत्म करते टॉपिक पे आते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है स्पॉट प्राइस पे लगाएं, जैसे वहां पे आ जाए आपका प्राइस, और क्लोजिंग दे दे एग्जिट करें। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो फिर एक और टिप है, अगर आपको और सेफ होना है थोड़ा दूर लगाओ, थोड़ा दूर लगाओ। देखो आज पिवट ब्रेक नहीं किया फिबोनाची पिवट R3 बैंक निफ्टी ने, लेकिन अगर ऑप्शन चार्ट पे जाओगे तो ब्रेक कर दिया, ऑप्शन चार्ट पे जाएंगे तो ब्रेक कर, क्योंकि वो उतने वॉलेटाइल होते हैं। इसीलिए अगर आपको लगाना है तो स्पॉट चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए, या तो लगा रहे तो टाइट मत लगाइए, दूर लगाइए, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। सबसे गलत क्या होता है पता है एक ट्रेडर के साथ, आप लोग रेड कर सकते हो अगर आप असली में ट्रेडर हो तो, यार ऊपर गया हमारे प्राइस पे स्टॉप लॉस हिट किया और भाग गया टारगेट हिट करने, सबसे गलत तो ये होता है। तो दूसरी चीज, स्टॉप लॉस लगाना है स्पॉट चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। लास्ट एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, हैव कन्विक्शन इन योर एनालिसिस, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। आपको लगता है कोई अंडर कॉन्फिडेंट क्रिकेटर अच्छी क्रिकेट खेल सकता है या अंडर कॉन्फिडेंट सिंगर अच्छा गाना गा सकता है, नहीं, ट्रेडर के अंदर भी कॉन्फिडेंस कन्विक्शन होना चाहिए मेरे खुद के एनालिसिस पे, एक्सपीरियंस पे। अब ये सब क्यों होना चाहिए, ताकि आप एक ही चीज ना करो, वो चीज पता है क्या है, डोंट डू फूलिश एग्जिट, डू नॉट डू डम्ब एग्जिट। ये क्या होता है, प्राइस के पहले स्टॉप लॉस कर गए, मतलब डम्ब एग्जिट का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, कि आप का एक्चुअल एग्जिट के पहले डर के मारे एग्जिट करना लॉस में, फिर ऊपर जाता है, ओ फक लेट, ऊपर जाके फिर महंगे में खरीदना, फिर एक पुल बैक पे डर जाना, होता है मेरे साथ भी बहुत हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। तीसरी टिप, डोंट डू डंब एग्जिट्स। इफ यू आर ट्रेडिंग, आपने एंट्री की है,
स्टॉप लॉस लॉजिकल सेट करें एंड स्टॉप लॉस के पहले मत निकलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपको सिंपल लग रही होंगी बट ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की टिप्स है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। ओके सो डन गाइज, आई एम डन विद द थ्री टिप्स फॉर यू जो बहुत हेल्प करेंगे इस वीडियो में। लास्टली मैं मेरे कुछ जो डिसलाइकर्स हैं, हेटर्स हैं, क्रिटिसर्स हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा बोल के जाता हूं। भाई देखो, आप लोग पैदा थोड़ी ना हुए थे नेगेटिव, है ना, आपके साथ तो कुछ हो गया। क्या हो गया मैं बताता हूं, आपके साथ इतना बुरा हो चुका है आप बिकॉज ऑफ टेलीग्राम चैनल्स, टिप वालों के कारण, मुझे नहीं पता किससे क्या सर्विस ले ली, बहुत लॉस हो गया है। और कुछ लोगों का ना एक्चुअली कुछ बोलने से 70% लोगों का इतना लॉस हो गया है कि उनको यकीन नहीं होता कि कोई बंदा कमा सकता है स्टॉक मार्केट से, है ना, नहीं होता ना। अब देखो बातें कैसी होती मार्केट में, अरे ओई ऑप्शन बाइंग करके कमा ही नहीं सकता। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम इन सम ग्रुप, मेरे मेंटोर है, मेरे सीनियर्स हैं, दे ओनली डू ऑप्शन बाइंग एंड दे मेक मनी using risk management, position sizing and good trading setups. अब कमाते हैं लोग buying, मैं भी buying करके कमाया, लोग selling से कमा सकते हैं। अब कुछ टाइप के तो लोग बोलते हैं intraday से ही नहीं कमा सकते, सिर्फ swing से कमा सकते हैं, और कुछ टाइप के कहते हैं intraday swing दोनों बकवास, सिर्फ long term से कमा सकते हैं। तो इतनी सारी बातें जो हो रही हैं, सच क्या है पता, सच क्या है, जो आप अपने दिमाग में मान लो, जो आप मान लो, अब आप क्या मानोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो यू मेक योर ओन रियलिटी गाइस, सुन चुका होगा आपने कई सारी चीजों में। ओके सो यही देना था, हेटर्स क्रिटिसाइजर्स मत करो, थोड़ा डेवलपमेंट लाओ, कुछ सीखो, स्टडी करो, जर्नल लिखो और अच्छे ट्रेडर बनो रादर देन जजिंग पीपल एंड ऑल। ओके आई होप आपको वीडियो देख के मजा आया होगा, टिप्स भी पसंद आई होगी। अब मैं इतना ही चाहता हूं आपसे कि आई वांट मैक्सिमम लाइक्स इन दिस वीडियो, 15,000 लाइक्स होते ही मैं एक और ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, मैं करनी, जस्ट वन मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ इट्स अ गिम्बल प्रॉब्लम, लाइव ट्रेडिंग का वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, जिस दिन मैंने, इसी मंडे की बात है, बेयरिश डे पे 4 लाख के आसपास बुक किया था, रिकॉर्ड कर पाया लेकिन मैं डाल नहीं पाया बिकॉज आई वॉज बिजी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बाहर भी था, मेरे भाई का बर्थडे भी था, सो एनी विच वेज बिकॉज के कारण, तो मैं वो भी डालूंगा जैसे मेरे को 15,000 लाइक मिल जाएंगे इस वीडियो पे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये कॉन्फिडेंस लेवल पसंद आया, ये टिप्स पसंद आई, जेन्युइन लगा, प्लीज डू इट ऑन इंस्टाग्राम एंड टैग मी एज वेल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना जितने पुराने नए लोग वीडियो देख रहे हो, वी आर गोइंग टू बी अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ जेन्युइन ट्रेडर्स, जहां पे मैं नहीं बोलता आओ मेरा कोर्स ज्वाइन करो, आओ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आओ मेरे को अपनी ईमेल आईडी दो, मेरे को नंबर दो, कुछ मत दो, आप कमेंट करो, सीखो, लर्न करो, खत्म, जो करना है करो, आपकी खुद की जिंदगी है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, इट वॉज, एंड मैं आपको ये भी बताया मेरा ट्रेडिंग सेटअप, इतनी बड़ी ट्रेडिंग सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ, आज एक लैपटॉप लेके बैठ के नहीं कर पाता इतना बड़ा कैपिटल, आज सेटअप अच्छा था, ट्रेडिंग का करके ट्रेड किया, अभी मैं धीरे धीरे सेटअप बनाऊंगा, तब मैं और लाइव वीडियो डालूंगा और अच्छे ही डालूंगा जिसमें कोई लर्निंग हो, लॉस के भी डाल सकता हूं कि लॉस से क्या लर्न हुआ। सो दैट इज वाई गाइज, वेट फॉर मोर वीडियोज कमिंग फ्रॉम बूमिंग बुल्स अकेडमी एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज, बाय, थैंक यू।